भारतीय किसान संघ ने बीमा राशि की मांग को लेकर किया तहसील का घेराव, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन पठारी तहसीलदार अभिषेक पांडे को सौंपा। किसानों ने 2020 एवं 21 की बीमा राशि जल्द दिलाए जाने की मांग को लेकर कहा कि पठारी तहसील अंतर्गत ग्राम छपारा मनेसा रामगढ़ के किसानों ने शासन प्रशासन से मांग रखते हुए कहा है कि इन गांवों में कई कृषकों को क्षति बीमा राशि से वंचित रखा गया है। इन तीनों ग्रामों की बीमा राशि जल्द किसानों के खाते में डाली जाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रितेश जैन, ओम प्रकाश ठाकुर, अभय सिंह यादव, बलवीर सिंह ठाकुर, अमरदीप सिंह, सोनू चढ़ार सहित आदि किसान मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। पानी मांग रही है आज किसानी, सस्ती बिजली खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। वादा किया है वादा निभाओ, खेती और किसान बचाओ। के ग्राम छपारा, चिंपाड़ी, मनीषा और रामगढ़ अन्य गांव के कृषकों को 2020-21 की बीमा राशि दिलाए जाने वाला। महोदय, भारतीय किसान संघ किसानों का किसानों के लिए किसानों द्वारा चलाया जाने वाला एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रव्यापी संगठन है, जो विगत 44 वर्षों से किसानों की समस्याओं को शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाकर हल कराने का प्रयास करता चला रहा है। इसी तारतम्य में किसानों की समस्या है। तहसील पठारी के ग्राम सफारा, मनीषा व रामगढ़ और अन्य ग्रामों के कई किसान क्षतिपूर्ति बीमा राशि से वंचित रह गए। इन ग्रामों की बीमा राशि जल्द किसानों के खाते में डाली जावे, अन्यथा भारतीय किसान संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। सात ग्रामों में जो बीमा राशि किसानों के खाते में नहीं आई, उस संबंध में दिया गया है। इसमें किसानों में काफी रोष है और इसी तारतम्य में आज हम लोग तहसील पठारी में उपस्थित होकर श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। यदि समय रहते बीमा राशि किसानों के खाते में नहीं आई तो भारतीय किसान संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी।